कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मैं आज मन से मन की बात आपके साथ करने आया हूं। दोस्तों आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। और बेटे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर अटेंड किया हो तो मैंने उसमें बताया था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस। एक होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक होती है फाइनेंशियल डिसीजंस और एक होती है डिविडेंड डिसीजंस। तो आज हम एक मुख्य डिसीजन करने वाले हैं कि पैसे कहां से आएंगे। पैसा पैसा पैसा, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट फंड्स। बेटे इस दुनिया का सबसे मुश्किल डिसीजन है क्योंकि पैसे लिमिटेड है। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी करेंसी नोट प्रिंट नहीं कर सकते। वो मैंने बातें बताई है फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में या दूसरे किसी चैप्टर में, उसमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर देंगे, जैसे पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं आजकल, बेटे पाकिस्तान जगह जगह हर देश से पैसे मांग रहा है। लेकिन सवाल है आपके मन में आता होगा कि क्या पाकिस्तान खुद क्यों नहीं प्रिंट कर लेता अपनी करेंसी। बेटे अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट कर लेंगे रिजर्व के कंपेरेटिवली, उधार में चले जाएंगे तो इकोनॉमी खत्म होने का डर रहता है बेटे, और इस करेंसी की में डेप्रिसिएशन आ जाती है जिसकी डिमांड ना हो और सप्लाई सप्लाई हो। डिमांड बढ़ती है एजुकेशन से, डिमांड बढ़ती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, किसी इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है उसकी इंडस्ट्री साइकिल से, उसकी इंडस्ट्री स्टेज से, उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ से। तो दोस्तों मैं आज इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर 10-11 मिनट में जो ये लेक्चर है, एक ये बात ये बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने ईमानदारी से जो जो मैंने आने वाले लेक्चर्स में बताया होगा, ये लेक्चर जैसे फर्स्ट है, आपको 17 लेक्चर्स और करने हैं, 17 बेटे, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं थ्योरी कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। और जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसी के बाद मेरे 4-5 लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, जिसमें मैंने 5 कैटेगरीज बनाई है, जिसकी आपको अलग से बुक मिली है बेटे, उसको अटेंड करना है। पहले एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं जाना। तो अगर आपने रजिस्टर ले लिया हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, आप प्लीज एक बार आज के लेक्चर की कुछ मुख्य बातें रजिस्टर में लिख ले, सो दैट आपको बार बार आज का लेक्चर देखना ना पड़े। तो बेटे मैंने सबसे पहली बात ये बताने की कोशिश की कि आपके बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। हम हमेशा कमर सीधी करके बैठेंगे, वो बेटे टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप सेकंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट ए 60 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो बेटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, विद्या का धन तभी मिलता है जब आप रेगुलरली बेटे स्वच्छ रहें, कपड़े चेंज करें, स्वच्छ कपड़े पहने, हल्के रंग के पहने, आपका टेबल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, आपके देखने की डायरेक्शन हमेशा ईस्ट की तरफ होनी चाहिए और मन में विचार अच्छे आने लगेंगे। अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि अगर आपके मन में विचार अच्छे नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे में भी ऐसा होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सब लेक्चर्स में मैंने बताया है। तो बैठने का तरीका ये होना चाहिए। और बेटे क्लास के अंदर आप हमेशा खुश रहेंगे, बी एक्टिव, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि आज ये छोटी सी 2-3 बातें आप लिख लें, मैंने ज्यादा कुछ बनाया नहीं है। मैंने ये बताना चाहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पार्ट ए में हम 60 मार्क्स को करने वाले हैं और 60 मार्क्स में हम कर रहे हैं एज पर ICSI। अगर मैं देखूं कि फाइनेंशियल डिसीजंस नाम का क्या कोई चैप्टर है या क्या कोई लेसन है या क्या कोई स्टडी है, एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू सिलेबस लोधी रोड, तो बेटे मैंने देखा कि उसके अंदर फाइनेंशियल डिसीजन नाम का कोई भी चैप्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 लेसन्स प्रिपेयर किए हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। Lesson 3 प्रिपेयर किया है बेटे, उसका नाम डाला उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर।
अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है एक कंपनी अपने कैपिटल को कैसे कैसे प्रोक्योर करे, उसमें इक्विटी और डेट कितना होना चाहिए। जैसे आलू, आलू की सब्जी है तो उसमें बेटे हरी मिर्च कितनी होनी चाहिए, लाल मिर्च कितनी होनी चाहिए और उसमें आलू कितने होने चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, गरम मसाला कितना होना चाहिए। अगर आपकी रेशियो ठीक होगी तो सब्जी अच्छी बनेगी। अभी डिपेंड करता है कि खाने वालों का टेस्ट कैसा है। कई बार जो खाने वाले हैं वो मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी डेट को ज़्यादा फेस कर सकती है, रिस्क ले सकती है, उसके पास लिक्विडिटी है, तो बेटे डेट इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर नहीं ले सकती, रिस्क कम ले सकती है, बड़ी कंजर्वेटिव नेचर की है, तो बेटे लेस होनी चाहिए डेट इक्विटी। वो सभी कुछ मैंने लेक्चर 17 के अंदर बताया है। आज ऐसे फर्स्ट लेक्चर है तो नेक्स्ट 17 लेक्चर्स, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मानता हूँ, नेक्स्ट 17 लेक्चर्स आप ध्यान से देखें तो टोटल 18 लेक्चर्स हो गए। तो अब देखिए जी, आपके स्टडी में एक तो लेसन 3 दिया कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक लेसन 4 दिया है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और एक दिया प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो मैंने इन तीनों लेसन्स को मिक्स किया क्योंकि आपस में रिलेट करते हैं। तो अगर पहले मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो इंस्टीट्यूट की बात अगर हम करें तो एक बात हमें एक समझ आती है। क्या समझ आती है बेटे? एक बात तो समझ आती है कि इसमें कोई बात नहीं, मेरे से शायद वो मैं दोबारा से स्टडी ओपन कर देता हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ये लीजिए, मैंने इंस्टीट्यूट की स्टडी को डाउनलोड किया है और आपके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने स्टडी आपके लिए प्रिपेयर की है। अब आपने देखना है कि इसमें हमारे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेटे एक तो देखिए चैप्टर 3 दिया हुआ है, लेसन 3 समझ लीजिए जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसमें इन्होंने मेंशन किया है क्या किया है बेटे, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी, ईपीएस, एबिटा एनालिसिस, रिस्क एंड लिवरेज, इफेक्ट ऑफ लिवरेज ऑन शेयरहोल्डर्स रिटर्न। तो इन्होंने लिवरेज दिया है, इन्होंने ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस दिया है, इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज इंक्लूड किए हैं, और एक स्टडी नंबर लेसन नंबर 4 अगर आप देखें बेटा, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी बातें एक्चुअली में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपस में लिंक्ड है। मैं तो कहूंगा कुछ पार्ट चैप्टर 5 प्रोजेक्ट फाइनेंस का भी लिंक है। तो मैंने उन सारे लिंकेज पार्ट को एक ही स्टडी में माना और मैंने उसका एक ही स्टडी प्रिपेयर किया आपके सामने, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने उसको एक ही माना और एक ही प्रिपेयर किया। जैसे जैसे अभी छोड़ दीजिए गूगल में, मैं अभी नहीं जा रहा, एक सेकंड के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने क्या किया, अपनी बुक में ही मेरी बुक कहाँ गई, हे राम मेरी तो मिली नहीं रही, कहाँ गई बेटे, ये रही बुक, ये मैंने प्रिपेयर किया है, ये बेटे आपके सामने ये वाली बुक है। और मैं इसका अगर चैप्टर नंबर 6 ओपन कर दूँ तो आपको दिखेगा कि इस चैप्टर में मैंने आपके लिए टोटल 44 थ्योरी के कंसेप्ट्स लिखे हैं बेटे। जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर को हमने कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। इवन आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसकी बुक आपके पास होगी, आप देख रहे होंगे कि हमने हर ऑब्जेक्टिव टाइप को भी कंसेप्ट के हिसाब से लिखा है। बेटे पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ, आप कोई भी बुक देख लें, किसी की भी देख लें, किसी भी ऑथर की देख लें, आपको इकट्ठे एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन बेटे हमने जैसे जैसे कंसेप्ट कराया, हर कंसेप्ट के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं वो लिखे। तो आप देखिए कि पहला कंसेप्ट है जैसे इंट्रोडक्शन का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट्स, ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। अगर आप ध्यान से देखें कंसेप्ट नंबर पाँच की बात करें तो बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर है, 3 स्टेप्स, सारा प्रैक्टिकल कराया। और आप देखिए कंसेप्ट नंबर 14 में फाइनेंशियल लिवरेजेस आ गया। इसका मतलब मैंने वो सारे कंसेप्ट इंक्लूड किए इस 44 कंसेप्ट के अंदर। तो आपको अब करना क्या है, क्या करना है, बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं आप, मैं सबको बंद कर देता हूँ। बट पहले तो आप आज के रजिस्टर में लिख लें लेसन 3 कैपिटल स्ट्रक्चर है एज पर योर इंस्टीट्यूट, एज पर ICSI
Lesson 3, capital structure. Lesson 4, sources of long-term finance and cost of capital. Lesson 5, project finance. तो ये तीनों के तीनों मैंने एक ही चैप्टर में इंक्लूड किए, रादर दो में, एक चैप्टर बनाया फाइनेंशियल डिसीजन का और एक चैप्टर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बनाया राइट शेयर्स का, क्योंकि बेटे आजकल का जमाना है ईसॉप्स का, आजकल का जमाना है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, आजकल का जमाना है बोनस शेयर्स का, आजकल का जमाना है, आजकल का जमाना है बायबैक का। तो आजकल आपको राइट शेयर्स, बायबैक, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। तो ये मैंने इसके लिए एक अलग से राइट शेयर का एक अलग से चैप्टर प्रिपेयर किया। वैसे मैं चाहता तो फाइनेंशियल डिसीजन में भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मुझे लगा मैं अलग से बताऊंगा तो शायद उसकी और इम्पोर्टेंस आपको दिखे। तो बेटे मैंने लेसन थ्री में फाइनेंशियल डिसीजंस जो हमने, मैंने अभी भी दिखाया मेरी बुक का लेसन थ्री और लेसन फोर बेटे राइट शेयर्स मैंने वहां पर इंक्लूड किया। अब सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन हैं। अभी अभी देखा हमने कि नंबर ऑफ कंसेप्ट 44 है बेटे, 44 कंसेप्ट है। मैंने 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 44 कंसेप्ट में उन सारी बातों को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में डिवाइड किया, 44 है। और मैंने लेक्चर्स कितने दिए, जैसे आज इंट्रोडक्टरी है तो इसको मिलाकर 18 है, 17 लेक्चर्स आपको भी और देखने हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप ये मत समझना 17 लेक्चर्स बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। और जो लेक्चर्स में मैंने बोला कि आप लिखो, आप उसको लिखना, आप उसको जो होमवर्क है करना, ऐसा मत समझना कि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप वही बच्चे कर पाएंगे जिनकी थ्योरी अच्छी क्लियर होगी, जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिन्होंने हाथ से किए होंगे बेटा, तभी ऑब्जेक्टिव टाइप कर पाओगे। आपको एडिशनल वर्क करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये नहीं है कि आसान हो गया बेटे, मैं समझता हूँ मुश्किल हो गया है। और बिल्कुल नॉलेज क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बेटे। आज तक तो सब्जेक्टिव टाइप में आप जुगाड़ भी करते हैं, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, खाली या तो तीर लगेगा या तीर नहीं लगेगा। और कहते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंसान अगर चाहे तो क्या से क्या कर सकता है यार, आप ये बताइए। इतिहास गवाह इस बात का, इतिहास गवाह इस बात का, जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं। जहाज बेटा समुद्र में जहाज होते हैं, जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे कंपनी सेक्रेटरी का स्टूडेंट कहते हैं। बेटे आपके अंदर हिम्मत है, आपने ईमानदारी से मैं कहूं तो आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आप बस ध्यान से देखिए, 44 कंसेप्ट करने हैं छोटे छोटे, 18 लेक्चर देखने हैं, और मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस 21 लिखे हैं बेटे, ये भी कंसेप्ट वाइज लिखे हैं। मुझे नहीं पता कि आप अभी देख पाएंगे या नहीं, मैंने इनको भी कंसेप्ट वाइज ही लिखा है। आपको एक सेकंड के लिए मैं दिखा दूं तो बेटे कंसेप्ट वाइज लिखना अपने में बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं बेटे डायग्राम के साथ जो मैंने कंसेप्ट वाइज लिखे हैं। अब आप प्रैक्टिकल देखें तो बेटे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास बुक है ही, फिर भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मैंने उनको भी कंसेप्ट वाइज लिखा है। आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आने वाली, आपको सारे कंसेप्ट, आपको जिस कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए बेटे वो कंसेप्ट कर लीजिए, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिए। एक सेकंड में सारी बातें बेटे, दूध एक तरफ और पानी एक तरफ हो सकता है। तो भूपेश आनंद, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करने वाला है कि आप सभी आने वाले दिनों में ईमानदारी से मेरे आने वाले लेक्चर्स देखें, उनको लिखें, उनको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, 5x तक लेके जा सकते हैं, उनको ध्यान से समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और हो सके तो अगर आप विकिपीडिया देखते हो बेटे, गूगल से विकिपीडिया में उसको सप्लीमेंट करें। देखिए बेटे 128 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने दिए, हाँ ठीक है इसमें से मैंने सारे नहीं कराए, कुछ होमवर्क दिए, आप होमवर्क मत करना यार, लेकिन एटलीस्ट जो क्लास वर्क है आप उस क्लास वर्क को तो मेरे साथ साथ कैलकुलेटर के साथ साथ खुद सॉल्व करना, तब तो बेटे चीजें समझ आएंगी। खाली कॉपी पेस्ट करोगे तो बेटे समझ नहीं आने वाली। आइए मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद मैंने जब ये खत्म हो जाएंगे ना 18 लेक्चर्स, तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। लगभग इस चैप्टर में मैं 200 क्वेश्चंस कराऊंगा अप्रोक्सीमेटली, और 4-5 वीडियो लेक्चर्स अलग से किए, बहुत छोटे छोटे,
और वो सारे कंसेप्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, आप आराम से कर सकते हैं, कुछ मुश्किल की बात है ही नहीं। तो नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स कंटेनिंग ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस एट द एंड 5, वो टोटल लेक्चर्स है बेटे 23। तो आप आराम से चाहे तो ये 23 लेक्चर्स करके काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लाइफ में ये एसेट बनेगा ये चैप्टर। आप कोई भी दूसरा एग्जाम देंगे तो बेटे वहां पर ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे। मैं आज भी अमेरिकन और लंदन के जो पेपर्स देता हूँ बेटे, ये नॉलेज मेरे को यूज होती है, मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता। यही एक जीत का राज है कि आज से ही फाउंडेशन अपनी क्लियर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले 17 लेक्चर्स आप थ्योरी वीडियो थ्योरी प्रैक्टिकल के अटेंड करें, उसके बाद जो 4-5 लेक्चर्स और आ जाते हैं बेटे वो ऑब्जेक्टेड है कि बाद में करें। कोई भी डाउट होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से मिल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, स्काइप पे हम डाउट्स लेते हैं बेटे, हम फास्ट ट्रैक बैच भी लेते हैं, जरा सी भी परेशानी की बात नहीं है। बट मैं कहता हूँ कि पहले आप पूरे लेक्चर्स एक दो चैप्टर्स कर लें, फिर डाउट्स लिख लें, फिर आ जाएं मिलने के लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आपका भी टाइम बचेगा बेटे मेरा भी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको शब्बा खैर कहता हूँ। भगवान करे कि आप मन से आने वाले दिनों में ये लेक्चर्स देखें और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।